बहुत ठंडा है। बर्फ मिल गई भाई, बहुत ठंडा यार। अरे वो कहाँ पहुँच गया। ओ भाई खतरनाक ब्रिज, नीचे दिखाता हूँ आपको। और ये खा गए भाई, गुफा में घुसा है। अरे इसके लिए नहीं लिया भाई। ये रास्ता ज्यादा खतरनाक है, साइड में देखो। और मैं कहाँ से निकल रहा हूँ कि अगर आप ऊपर आते हो ना तो आपका शुगर लेवल ना बहुत डाउन हो जाएगा। जज्बात में खो लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं खीर गंगा। आपने टाइटल तो देख लिया होगा। सो बेसिकली अभी हमें मणिकरण में, तो यहाँ से बस पकड़ेंगे बरसाने के लिए। बरसाने यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वहाँ से बरसाने से जो ट्रैक स्टार्ट होता है खीर गंगा के लिए। बाकी अभी हमारे साथ मैं और चंदन भाई है, तो अभी हमारा वहाँ पे बन रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अभी बस मिलेगी हमें 12:30 बजे। 12:30 बजे बस आएगी, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर का वो है रास्ता। वहाँ से क्लियर करके रास्ता फिर हम निकलेंगे सीधा ट्रैक के लिए। तो हमारे साथ फिलहाल तो चंदन भाई हैं और बाकी का और भी लोग हैं वो जो कि पहाड़ पे पीछे बैठे हुए हैं। तो सब लोग साथ में जा रहे हैं और हमें लगी है भूख, क्योंकि हम सुबह से निकले। तो बेसिकली हम जो मनाली से हमने स्टार्ट किया था वो बस से स्टार्ट किया। मनाली से यहाँ तक मणिकरण के लिए बस पकड़ी थी हमने, एंड उसके बाद मणिकरण से अभी हम दोबारा बस पकड़ेंगे बरसाने के लिए। तो फिलहाल हमारा बनना है यहाँ पे एग भुर्जी। एग भुर्जी बनवाया, मोमोज। हो मोमोज, मुझे लगा एग भुर्जी बनाया था। फिलहाल मोमोज मिल रहा है और कुछ है नहीं इधर। सो जो खीर गंगा का ट्रैक है वो आपको 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आपको कम से कम 5 या 6 घंटे लग जाएंगे। अगर आप 1 बजे निकलोगे तो 6 बजे आपका, 6 या 7 बजे आपका ट्रैक कंप्लीट होगा। तो मैं बोलूँगा उससे पहले ही निकलो, क्योंकि वहाँ पे आपको पहुँचने के बाद भी आपको वहाँ पे 1 दिन स्टे तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा थक जाओगे ना कि भाई 16 किलोमीटर का ट्रैक ऐसे ही नहीं होता। चढ़ के जाओगे आप ट्रैक पर तो परेशान हो जाओगे। तो आपको वहाँ पर 1 दिन स्टे करना पड़ेगा। चंदन भाई ने अपने मोमोज भी ख़त्म कर दिए, मेरा बचा है थोड़ा सा और बाकी मेरी चाय भी बची हुई है। आंटी ने काफ़ी सही बनाया, थैंक यू आंटी। चाय अच्छी आंटी। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं बरसाने और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। अभी पता नहीं हमें कहाँ कौन से रास्ते से होगा। बाकी सारे लोग हैं साथ में। चलो, हाँ बिल्कुल, आपको तो पता है ना, आप पहले भी आ चुके हो। तो इन्हीं के साथ जाएंगे हम ट्रैक करने। ये पहले भी आ चुके हैं तो इन्हें पूरा आइडिया कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, कहाँ से नहीं होगा। लो यार, 15 हो गए, 300 रुपये, 15 12 9। सो बेसिकली जब भी आप ट्रैक पे जाओगे ना तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना लकड़ी, ये आपको लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रैक में ना काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। अदरवाइज ना ट्रैक पे बहुत इशूज आते हैं। मतलब आप चढ़ोगे ना तो डंडी लेना ज़रूरी है ना। ले ले भाई, ले लेते हैं ना। मेरे हाइट के हिसाब से कौन सी सही रहेगी? 7 छोटियाँ ले लो यार, ये वाली सही है। ये हल्की नहीं है, ऐसे लकुआ मार गया लकड़ी को। मस्त सो रहा भाई, मत जगह। ये लो भाई, अरे ये सही है भाई, है ना। देखा रही है तो फट रही है के बीच में से, ऐसा आवाज़ नहीं आ रही। फाइनली हमने ले लिया, ये चंदन भाई ने भी ले लिया। ओहो, एंड लुक एट दिस। एंड यहाँ का व्यू कितना प्यारा है भाई, बहुत सही है। अरे इसके लिए नहीं लिया भाई। तो होके जाएगा, हाँ ना, वो होगा आपका नास्थान होके जाएगा, विलेज होके। क्यों फॉरेस्ट वाले से चलते हैं, मेरे दोस्त विलेज वाले चलते हैं। विलेज वाला अच्छा है, वो विलेज देखना, विलेज है ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं ना। अच्छा, एक तरफ से चलते हैं, एक तरफ से आ जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। बट अभी विलेज होके जाओगे तो वहाँ पर शेडो, मतलब छाँव नहीं है बिल्कुल भी, धूप है। हाँ तो फॉरेस्ट वाला अच्छा रास्ता सुना है मैंने। अच्छा, अब ये जो पहला आएगा वो चढ़ जाए, ये डैम जो डैम है ना, ये डैम से आगे है। तो बेसिकली जो 2 रास्ते हैं ना, कालका एंड पुलगा, वो फॉरेस्ट रास्ते से होकर निकलते हैं। तो वही रास्ता ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ना इस समय धूप है, तो विलेज वाला हम रास्ता लेंगे ना तो धूप रहेगी, तो इसलिए फॉरेस्ट वाला रास्ता लेना अगर आप इस टाइम आए तो। डैम के बाद जो रास्ता आएगा वो फॉरेस्ट वाला रास्ता है। एंड लुक एट दिस, आपको यहाँ से पता चल जाएगा जब भी आप आओगे ना, तो ये वाला फॉलो कर लेना। एंड तो ये वाला रास्ता सही रहेगा, ये फॉरेस्ट वाला रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा। और एक उससे पहले ना थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रास्ता है, वहाँ से मत चढ़ना क्योंकि वहाँ इश्यू हो जाएगा। अरे भाई चलो पाजी, ये वाला है ना, तो स्टार्टिंग हुई है। अरे भाई बहुत बहुत 4 घंटे हो रहा आराम से। सो गाइस लुक एट दिस, दिस इज द डैम। ये वाला रास्ता लेके आना आप, पाजी आ रहे हैं इसी रास्ते से। मेरी तो स्टार्टिंग में ऐसी तैसी हो गई यार, आगे क्या होगा आगे पता नहीं क्या होगा। मजे आगे बताया, बहुत मजे आएंगे। सो अभी तो हम ओनली 100 मीटर या 200 मीटर चढ़े होंगे एंड बहुत ज़्यादा थक गए, तो अभी रेस्ट ले रहे हैं एंड चाय पी रहे हैं पहले, उसके बाद फिर दोबारा से निकलेंगे। क्या कह रहे हो? काय का 800 रुपये इतना नहीं है, 300 से 400 रुपये होता है बस। भैया बता रहे हैं कि 400 रुपये नहीं 800 रुपये पर पर्सन होता है कैंप का प्राइजेस, इतना नहीं होता, कम होता है, 400 से 500 रुपये होता है। वो उधर गैया को भगा रहा है उधर। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सही माहौल है, लाइक ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड काफ़ी तगड़ा भी लग रहा है यार इधर से। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी ट्रैकिंग नहीं की। तो चंदन भाई कैसा लग रहा है? बहुत उम्दा। इधर काम चल रहा है भाई, दवा के देखो कैसे काम कर रहा है। वो चीज़ तो ठीक है, जनरेटर पीछे उठ के कैसे आया हुआ है यार, कैसे भारी सामान को उठा के लाए होंगे इधर। आराम आराम से, स्लिप मत मार देना, बस ऐसे पॉइंट पे ध्यान रखो भाई उतरने का। स्लिप मारे पट से बाहर। ध्यान आयो भाई, ध्यान अपने बंदे, ध्यान आयो सारे भाई, ध्यान आयो। ये रास्ता देखो लकड़ियों से बना हुआ है पूरा भाई, ये तो अगर ये ना होता सब पट नीचे आते, रास्ता ही नहीं होता ये वाला। फिर खतरनाक खतरनाक रास्ते है भाई। आज ये पहले आ चुके हो ना? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आ रहे हो। वो लड़के 3-4 जो 2 लड़के ना पहले। हाँ हाँ ओके। तो गाइस हमारे 2 साथी उधर रह गए हैं, वो आ रहे हैं उधर एंड बाकी सब इधर है। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना तगड़ा वाटरफॉल हो रहा है भाई। ये खड्डा चढ़ाई है भाई इधर। बहुत अच्छे। अरे वो कहाँ पहुँच गया? ओ भाई खतरनाक ब्रिज, नीचे दिखाता हूँ आपको। खतरनाक है भाई ये तो। हमारे साथी का एक डंडा गिर गया नीचे, तो पाजी लेने जा रहे हैं उससे नीचे। वीडियो बनाते रहे हम और हमारे साथ के आगे निकल गए। वो देखो वो जोर जोर रहे हैं। पाजी आपका सरदार की तरह बैठ गए। अब पूछोगे क्या कितने आदमी थे? अब पाजी ऐसे बैठ गए सरदार की तरह, शोले मूवी की तरह। भाई कितने आदमी थे? शोले में हुआ था ना? हाँ शोले में 9 आदमी है अपने। अब बस तो 9 आदमी है, सभी सुता रहे हैं भाई, परेशान हो गए चल के। अभी 3 किलोमीटर चले हम, अभी 13 किलोमीटर और चलना है, मतलब 3 किलोमीटर मेरे तो प्राण निकल गए। तो आगे क्या होगा भाई, 13 किलोमीटर में तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये वाला पेड़ कैसे गिरा है? ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। ओनली 3.5 से 4 किलोमीटर चल रही हम, 4 किलोमीटर में मेरी हालत ख़राब यार, जूतों का बहुत बड़ा रोल है। तो गाइस मैंने जो आपको रास्ता रिकमेंड किया ना, उसी रास्ते से आना। देखो इस रास्तों के लिए मैं बोल रहा था कि शूज़ अच्छे पहन के आना, क्यों यहाँ स्लिप मार जाएगा यार। ये डंडे का बहुत यूज़ है इधर, मतलब अगर ये नहीं है ना तो आपकी बैंड बच जाएगी। बाजी मैं बता रहा हूँ, इससे आओ इधर से आओ भाई, इधर से सुनो, इधर से आओ। ये रास्ता देखो समझना, जा ही नहीं पाओगे भाई, इधर नीचे निकल जाओगे। और ये खा गए भाई, गुफा में घुसा है। चंदन भाई अच्छे से आना। मैं तो आराम से निकल जाऊंगा। भाजी एक बार और करना। ये इधर देखो पानी फिल्टर होके आ रहा है, इसे पानी को पी सकते हो, पीना है पी सकते हो, इस पानी को चेक कर सकते हो। हाँ यार तो खड़ी कैसे दुकान, ओनली लकड़ियों पे। गिरने का कितना डर लगा रहता है, कहीं गिरना है। थोड़ी सी हवाई लकड़ी, थोड़ी सी स्लाइड ली पट से नीचे, लेकिन भैया तो मना कर रहे हैं गिरेगा नहीं ऐसे। चलो चलो, हार गए, हार मान गए। बंदे आ रहे हैं, आ तो गए, एक ही बचा है, 2 और बचे हैं। कह रहा मैं आगे मैं अब ऐसे ही कैमरा पकड़ा करूंगा। वैसे अंगना में तुम्हारे सारी कायनात मुस्कराए, कायनात मुस्कराए, सारी कायनात मुस्कराए। बोला तेरी ना लो कितना सही पानी आ रहा है। हाँ जाके देखो, गिरूंगा तो नहीं। ऐसे नीचे लगा, ठंडा है। निकलो निकलो आप, निकलो निकलो आप। हाँ थैंक यू। हेलो यार, एक पहले वाला कुत्ता था साथ में। अच्छा एक कुत्ता हमारे साथ में आया बहुत देर से, पता नहीं वो ऊपर ही गया हमारे साथ, बीच में तो दिखा नहीं। तो पहले वाले जो बंदे हैं ना उन्हीं के साथ चला गया ऊपर। ये रास्ता ज़्यादा खतरनाक है, साइड में देखो। और मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें। तो हमने कुछ खाने के लिए बोल दिया उन्हें कि हमें क्या ऑर्डर करना है, कर दिया चंदन भाई ने। बाकी आंटी लकड़ी हम लेके आ रही नीचे से। हाँ, कितना हार्ड होता होगा भाई नीचे से लकड़ियाँ उठा उठा के लाना। तो फिलहाल हमने लेज ले लिया, हैंड ड्रिंक ले लिए, क्योंकि बहुत परेशान हो गया यार। मतलब बहुत ज़्यादा नाक निकलने लगी है रास्ते में चलते चलते। बट जो एक्सपीरियंस है ना वो तगड़ा है भाई। मैं बोलूँगा जो मैंने आपको रास्ता बताया ना उसी रास्ते से आना, अच्छा रास्ता है ये। कहाँ रह गए थे आप लोग? कहाँ रह गए थे? मज़े आ रहे हैं भैया। ड्रिंक तो पहले ही नीचे से लेके आओ, ऊपर बहुत महंगी मिल रही है, क्या पता नहीं मिलेगी। सही बात है, सही बात है भाई। 20 रुपए की बोतल 50 या 40 रुपए की मिल रही है इधर नीचे। पर पाजी जो ग्रुप में चलने का मजा है ना वो अकेले में नहीं है। सही बात कह रहे हैं नहीं? ग्रुप में बातें तो होती रहती है, थकान महसूस नहीं होती। सही कह रहे हो बिल्कुल। खाई गिरा नीचे भाई वाके। अजी एक और वाटरफॉल आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे। देखिए गाइस, बर्फ मिल गई भाई, कोई फ्रिज में तो निकाल के गया इसे। देखो भाई मैं कह रहा हूँ इसे, क्या ये बर्फ ही है? बर्फ ही है, बर्फ ही है भैया। ये कैसे मतलब बीच में क्या है? आ रही है ऊपर से, तो ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आगे हम आगे ऊपर ही आगे आ रहे भाई, आ रहे मजे आ रहे हैं। कोई है क्या? नहीं भाई इधर लग रही है ठंड मनी भाई भी ना, पता नहीं क्यों ठंड पाए। तो बर्फ़ भी मिली हमें रास्ते में, हैंड चढ़ाई भी खतरनाक है। हाँ। हाँ। जो नहीं आया ना, हाँ उसने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। सही बात है बिल्कुल, वो घर पे बैठे खाए बस। सही बात है, दिखना चाहिए। तगड़ा एक्सपीरियंस है यार। भाई गंदा सीन है इधर, बट एक्सपीरियंस तगड़ा है भाई। भाजी घुमा के दो, आयो आयो। लुक एट दिस, क्या तगड़ा झरना है। आया आजा आजा, नीचे चक्कर के आते पानी से। ठंडा यार भाई, बहुत ठंडा यार, बहुत ठंडा। ऐसे रास्तों पे बच के भाजी अच्छे से बच गया। हाँ। मजा में चलो भाई चलो। हाँ। मैं पाजी धोखा दिया, आप बहुत जल्दी आगे निकल गए। हाँ क्या बजे क्या मैं 2 बजे तो रही अजय भी बहुत जल्दी है। तो भाई आप लौट के आए हो क्या? नहीं यार हम वेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो दादा? आराम से गिर मत जाना, दिखाई नहीं देखो, नीचे गिर गए थे। हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, 1 या 2 किलोमीटर का रह गया, लेकिन पता नहीं चला, आराम से हो गया। 3 या 4 घंटे में हो जाएगा आराम से। 15-16 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 या 4 घंटे में हो जाएगा। बट रास्ते में बहुत मजे आएंगे भाई, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे भाई, बैठ के मजे करो, चिल मारो। क्रॉसिंग ऐसी मिलेगी ना, डर लगेगा भाई रास्ते में से क्रॉस करने में, कैसे क्रॉस करें। बट हो जाएगा, बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैक पे, मज़ा आएगा, आप अकेले नहीं होंगे भाई। अरे प्राण मेरे अंधी, रुको पाजी रुको भाई, खतरनाक जगह है। यहाँ मीरा संग रामू लिख गए हैं भाई। आराम से पाजी, आराम से, बड़ा फर्क नहीं पड़ता है बाढ़ से, थोड़ा ही रह गया। अरे सेल्फी लेके आओ, सेल्फी लेके आओ, अरे जल्दी जल्दी आओ। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे पाजी हमारे साथ आए थे, पता नहीं कब से, बहुत पहले आगे निकल गए एंड यहाँ पे आके बैठ गए। चलो पाजी चलो, शोले मूवी की शूटिंग नहीं हो रही। भाजी ऐसे बैठ गए, शोले मूवी की शूटिंग हो रही है। भाई बहुत पहले निकल आए हम लोगों से, हम लोग बहुत पीछे हैं, वहाँ आके आराम कर रहे हैं मस्त। सो गाइस बेसिकली जब भी आओगे ना आप रास्ते में, तो वो जो पत्ता रखा हुआ है ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि कितना किलोमीटर रह गया है। तो अभी इस लोकेशन से ना 3 किलोमीटर दूर रह गया, सॉरी बाद में मैंने पहले 1 किलोमीटर बताया था, 3 किलोमीटर दूर है। आराम से हो जाएगा भाई, चलो भाई चलो चलो। पाजी 1 घंटे पहले आ गए भाई। मैनू पौना घंटा हो गया, अभी 1 घंटा बोले थे, पौना घंटा 1 घंटा हो गया तकरीबन। नहीं हम भी बहुत फास्ट चले थे यार, ऐसा नहीं है, हम भी फास्ट चले थे भाई, चले थे ना फास्ट चले थे ना हम, कितना फास्ट से चले यार। हाँ और क्या, ऐसे चलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है इधर का। भाजी फोटो सही आए थे ना वो। हाँ तो फाइनली आपको ऐसे रूम मिल जाएंगे इधर। अगर खीर गंगा साइड आओगे तो ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुई है, अंदर बेड है, पर्दे लगा सकते हो, ऐसा कोई दखल नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। लेकिन अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया, आराम से हम 12-13 किलोमीटर चल लिए होंगे। हाँ कितना, 3 किलोमीटर ना, 12 किलोमीटर चल रही है, 12-13 किलोमीटर चल रही है। ओ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते। ये असली स्ट्रगल लाइफ का। लगी क्या, पानी पानी हो गया, आइस की वजह से आइस मेल्ट होगी इधर। जब भी आओ ना भाई जूते ध्यान से अच्छे पहन के आना, स्लीपर में तो गलती से ही मत आ जाना यार। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा ना कि आप कैरी बैग कैरी मत करना, अगर करना है तो 2-3 चीज़ ही लाना, ज़्यादा मत लाना, अदरवाइज वेट हो जाता ना बहुत ज़्यादा, तो चलने में बहुत इश्यू होता है। लाइक हम लोग कैरी बैग में थोड़ा सा सामान लेके आए एंड वेट ज़्यादा हो गया उसमें, तो हालत ख़राब होगी हमारी। पुष्पा मूवी की शूटिंग इधर ही हुई थी, तो एक पेड़ कट्टे पड़े हुए हैं। चंदन भाई की डंडी नीचे गिर गई। हाँ रहने दो, बहुत दिक्कत हो गई यार निकलने में, वैसे हाथ हो जाओगे बट हाथ पकड़ो हैं, रहने दो, रिस्क मत लो। हाँ रहने दो, चलो चलो रिस्क मत लो, गिर जाओगे फैलती हो भाई, पता नहीं लपट गए ना पैर तो, बट कुछ कह नहीं सकते, रहने दो, चलो चलो चलो। यार ये पानी वाले रास्ते बहुत गंदे होते हैं, चंदन भाई लपट गए अभी, लेकिन लगा नहीं उनके, बच गए। और मैं भी बहुत संभल के चल रहा हूँ, एक तो मेरे हाथ में गोप्रो लग रहा है एंड एक हाथ में छड़ी भी है, तो इशू मेरे को भी लगता है कि भाई गिर ना जाओ, बट मैं भाई पूरा ध्यान नीचे ही है मेरा, ऊपर तो मैं देखता ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ। अभी कैमरा बंद कर लेता हूँ भाई, चढ़ाई बहुत गंदी है इधर। लुक एट दिस, पॉइंट ऐसे ऐसे है ना इधर कि भाई हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा पैर स्लिप मारा तो बैंड बजी भाई, ऐसे पैर गड़ा के चलो तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी भी आँख इधर उधर हुई तो आपकी बैंड बजी। ये वाला बच्चा पूरा ट्रैक खुद से कर रहा है भाई चल चल के। सो गाइस ये रास्ता है काफ़ी टफ है, एक ये वाला रास्ता है, एक उधर होके आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा उधर वाले से आना। ये शॉर्टकट है बट काफ़ी टफ है यार, लाइक बैंड बज जाएगी भाई, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अपना गोप्रो उठा के रख दिया था अंदर, क्योंकि भाई ये नहीं पॉसिबल है। एकदम ठड्डा चढ़ाई है भाई, बैंड बज गई, मतलब 50-50 फुट चढ़ चढ़ के हम रेस्ट ले रहे थे, सोचो बहुत गंदी हालत हो गई थी यार। लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके हैं। लुक एट दिस भाई, बहुत तगड़ा व्यू है। एंड बच जाएगी। हम बहुत थक चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा। अभी अपना टेंट देखेंगे, जो साथ के लड़के थे पता नहीं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोग हैं 4-5, वो पीछे रह गए हैं, वो भी आ रहे होंगे। फिर अपना टेंट देखेंगे, खाएँगे, सो जाएंगे भाई हम। इधर ऐसे तंबू मिल जाएंगे आपको सोने के लिए, एंड प्राइसेस अभी मैं बता दूंगा क्योंकि अभी मैंने पूछा ही नहीं है हो। बट व्यू बहुत क्लासी है यार, लुक एट दिस, मतलब अल्टीमेट व्यू उधर का। तो फाइनली अपने साथ के भी आगे सब लोग, वो वाला भी, उन्होंने भी वही रास्ता चुना है, खड़ा वाला। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर भी एक रास्ता है, इधर से भी आ सकते हो, बट वो भाई बहुत प्रॉब्लम करेगा। बैंड बज गई हमारी भाई, सीरियसली। ओ भाई, तो फाइनली वो लोग भी आ गए एंड साथ में भी टेंट ले लेंगे सब लोग, सो जाएंगे भाई, रेस्ट कर लेंगे। फिर अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है परांठे, मैं परांठे खा रहा हूँ, इन्होंने आमलेट कर दिया, बाकी चाय। एंड गाइस एक और चीज़ में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऊपर आते हो ना तो आपका शुगर लेवल ना बहुत डाउन हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चॉकलेट्स लेके आनी है अपने साथ। चॉकलेट खा लोगे तो सही रहेगा, आपका बीपी सही रहेगा तो शुगर लेवल भी सही रहेगा, इसलिए चॉकलेट जरूर लेके आना अपना भाई। आपने भी वही गलती की ना, हम भी वहीं से कड़ी चढ़ाई है, बहुत दिक्कत दे रही थी ना। सर एक इधर भी है, हम लोग भी उधर से आए यार, नहीं आए इधर से आ रहे हैं। और जाने का रास्ता कहाँ से फिर? जाने का भी यही है यार, जाने में तो बैंड बज जाएगी दादा। खा लो कुछ, उन्होंने कहा वो दिखाई नहीं दे रहे बाकी लोग उधर करते होंगे। अच्छा सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए अपने टेंट में। हमारा टेंट ऐसा लगता है और बाकी पाजी सो रहे हैं कि रेस्ट कर रहे हैं भाई, बहुत थक गए हैं सब लोग। हाँ हालत ख़राब हो गई है। सो गाइस बाकी का दूसरा ब्लॉग कल आएगा, दूसरा वाला लाइक नीचे जाते हुए वाला, वही ब्लॉग बनाएंगे। बाकी का एक गाइडेंस वीडियो भी बनाऊंगा, कैसे ट्रैक करना है, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ वीडियो में बना दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।